हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को फोटोग्राफी और वीडियो या सिनेमाटोग्राफी करते समय बैकग्राउंड में बुके कैसे लाते हैं ये तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में कस्टमाइज शेप बुके कैसे लाते हैं ये बताऊंगा। फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी करते समय जो बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट आता है उसको लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो लेंस आप यूज कर रहे हो उसका अपर्चर मैक्सिमम ओपन रखो, जैसे 2.8 या उसके नीचे जो अवेलेबल है वो आपको फुल्ली ओपन अपर्चर रखना पड़ेगा। दूसरा, जो भी फोकल लेंथ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप 70-200 mm लेंस यूज कर रहे हो तो 200 mm पे खींचने की कोशिश कीजिए ताकि वो बुके का इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा आएगा। और जिस किसी का भी फोटोग्राफ आप खींच रहे हो उस पर्सन से बैकग्राउंड दूर होना चाहिए, काफी दूर होना चाहिए ताकि वो बैकग्राउंड में जो लाइट्स लगी हुई है जिनका बुके इफेक्ट आ रहा है वो प्रॉपर आए। तो ये तीन बातों का ध्यान आप रख सकते हो। और रही बात इसकी कि बुके मोस्टली आपके अपर्चर के ब्लेड्स के शेप के वजह से एक पर्टिकुलर शेप का आता है। अगर आपके लेंस में 5 ब्लेड्स है अपर्चर के तो आपको पेंटागोनल शेप में बुके आएगा। अगर आपके लेंस के अंदर अपर्चर ब्लेड ज्यादा है तो सर्कुलर भी आ सकता है। तो मोस्टली जो अपर्चर का शेप होता है उसी शेप का बुके आता है। तो हम लोग अगर कस्टमाइज शेप अगर लाना चाहते हैं तो लेंस के सबसे आगे जहां हम लोग फिल्टर लगाते हैं उस जगह में किस तरह के कस्टमाइज शेप के आप अलग अलग चीजें होल्ड कर बुके के इफेक्ट को भी बदल सकते हो। तो जो शेप का आप कट करके ऐसे चीजें फिल्टर लगाते हो तो उसी शेप का आपको बुके इफेक्ट आता है। अगर समझिए आप ये 70-200 mm लेंस से आप कोई फोटोग्राफ ले रहे हो तो आप फोकस कर लिया सब्जेक्ट को, 2.8 अपर्चर पे मैंने इस लेंस पे रखा और मैक्सिमम फोकल लेंथ पे ले रहा हूँ, साथ में सामने ये चीज होल्ड करके फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ। तो इससे हो जाएगा क्या कि आप जो भी शेप का फिल्टर आगे लगाते हो उसी शेप का बुके बनकर आता है। तो ये आपको इस तरह से बुके के अंदर भी कस्टमाइज शेप के लाइट इफेक्ट ला सकते हो। तो इस सिंपल सा मेथड है, आप करके देखिए। सिर्फ इस तरह का फिल्टर जब आगे लगाते हो तो लाइट थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो आपको शटर स्पीड थोड़ा और कम करके मैनेज करना पड़ता है। दैट्स इट। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहे। सी यू सून।